हर समाज की अपनी पहचान और अपना एक हुनर होता है। हमारे गांव के कुमार समाज जो कि सदियों से मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करते आ रहे हैं, परंतु ये परंपरा आज हमारे गांव से लुप्त होने के कगार पर है। मैं शंभू और ये है मेरे गांव के कुमार समाज। सदियों से ये कुमार समाज अपनी कला व हुनर के कारण एक अलग ही पहचान रखती है, परंतु वर्तमान में युवा पीढ़ी इस कला से अपना मुँह फेर रही है, दूसरे क्षेत्र में जा रही है और ये काम नहीं करना चाहती। हमने पिताजी सिखाया, हमने कहे 50-55 साल हो गया काम करता हूँ, कहे बाद में कोई है भी नहीं सीखने वाला, और सीखे क्या, इसमें कोई मिले नहीं, लकड़ी मिले नहीं, कचरा मिले नहीं, कुछ नहीं, मेहनत भी ज़्यादा। दूसरी ओर धुलजी कुमार, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष हो चुकी है, वो इसी गांव में निवास करते हैं, परंतु आज भी वो मिट्टी का काम करते हैं। वर्तमान में धुलजी कुमार अपने गांव में ही स्थित एक होटल में इस कला का प्रदर्शन करते हैं, जिनसे उनके घर की रोजी रोटी व गुजारा चलता है। गांव में ही आने वाले विदेशी पर्यटक भी इस कला को देखकर प्रभावित होते हैं। हम तो ऐसा है कि मिट्टी का काम खोद के लाते थे, वो गारा मोड़ते थे, हमारे बाप दादा ने वो ट्रेनिंग दी थी, तो अभी तक तो चली रही है। लेकिन आज उनके समाज में ये मिट्टी का काम करने के लिए केवल कुछ ही लोग चुने हुए बचे हुए है। खाने का घर गुजरा होता था, धुलजी कुमार जैसे और भी कई लोगों के कारण ये कुमारी परंपरा आज भी कहीं जीवित है, परंतु शायद आने वाले समय में ये हुनर खत्म ना हो जाए। मैं शंभूलाल खटीक, राजस्थान के राजसमंद जिले के देलवाड़ा गांव से, इंडिया अनहट के लिए।